अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी सैयदा मासूमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं स्काईलाइन के हेड ऑफिस में, आपकी मुलाकात कराएंगे डायरेक्टर और ब्रदर डेवलपर्स शेख फरहान साहब से। तो आइए उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ स्काईलाइन के बारे में डिटेल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। स्काईलाइन मॉल बेसिकली सबको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो हो ही गया, सब क्लाइंट्स को भी हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट आपका सोल्ड आउट हो रहा है। और ऊपर से इसकी जो लोकेशन है, जो इसकी एक्सेस दी जा रही है पूरे रायवन रोड पे, अगर हम देख लें तो इतने इकोनॉमिकल बजट और रेट के अंदर कोई चीज़ इस तरह से ऑफर नहीं हो रही। हम बस आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे वो क्लाइंट जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या कुछ नए लोग हैं, वो बेसिकली जब भी कोई कहीं इन्वेस्ट करता है वो जानना चाहता है डेवलपर की हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें ताकि क्लाइंट्स तक जो है वो मैसेज पहुंच सके। जी, थैंक यू फॉर योर कमिंग स्काईलाइन ऑफिस। ब्रदर डेवलपर्स का जो सफ़र है ये 2009 में स्टार्ट हुआ था, DHA बहरिया अलकबीर, और हमने लाहौर इस्लामाबाद काफ़ी अपनी सर्विसेज दी हैं। लेकिन जो एज ए डेवलपर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था 2022 में, हमने अपना प्रोजेक्ट जो है BH1 बहरिया टाउन लाहौर में स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका बिफोर टाइम पोजीशन देने जा रहे हैं। और हम बल्कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे आए हैं, ज़्यादातर जो भी लोग होते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी मसले मसाइल हैं डिलीवरीज़ के, लोग बुकिंग करवा लेते हैं, चीज़ें उनको डिलीवर नहीं होती। लेकिन हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जिस दिन हमने पहले दिन फैसला किया था भाई, क्योंकि ये ब्रदर डेवलपर्स जो पूरा एक ग्रुप है ये भाइयों की बेस पे, हम भाई ही इस काम में, इस बिज़नेस में, तो BH1 जो है हम बिफोर टाइम डिलीवर कर रहे हैं। जितने भी कस्टमर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले वो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो विज़िट करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे, मेरा ख्याल है वहाँ पे जब वो विज़िट करके आते हैं उसके बाद उनका कोई क्वेश्चन रह नहीं जाता। बिल्कुल, क्योंकि लोगों का कंसर्न ये होता है ना टाइम पे चीज़ डिलीवर, और आप तो समझ लें कि टाइम से पहले ही एक प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपकी रेपो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। जी जी, मैंने बताया ना कि उसका 2 साल का प्लान है, और हमने मई 2022 में उसको लॉन्च किया था, और हम 2024 मई के अंदर एक्चुअल उसका पेमेंट प्लान कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हम मार्च के अंदर उसका पोजीशन देने जा रहे हैं। देखिए ना, ये बहुत एक प्लस पॉइंट होता है, बहुत से लोग हैं जिनको इसका नॉलेज नहीं होता। बाकी मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इसके अभी प्री लॉन्चिंग रेट्स चल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द जो है इसके रेट्स को रिवाइज कर दिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा बता दें आप। देखिए, हमने अपना जो स्काईलाइन मॉल है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 25 दिसंबर को लॉन्च किया था, और अभी हमें कोई अराउंड 30-40 डेज हुए हैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए। और एज ए डेवलपर हमें खुद आइडिया नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी लोकेशन है ये अलकबीर टाउन Phase 2 में मौजूद है, और अलकबीर टाउन एक ऐसा नाम है लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में कि यहाँ का जो कस्टमर है और जो अलकबीर की लोकेशन है वो अनमैचेबल है। सबसे बड़ी बात जो हमने अपने चेयरमैन हैं अलकबीर डेवलपर चौधरी औरंगजेब साहब, जो कि बड़ा कुछ हमने उनसे सीखा है, उनका सबसे पहले हमारा, उन्होंने हमें कहा ये था कि जब आप ये प्रोजेक्ट लॉन्च करें आपने लोगों को फ़ायदा देना है। तभी हमने जो अपने रेट्स इतने रीज़नेबल रखे थे कि हमें हमारे अपार्टमेंट्स और शॉप्स हमारी एक्सपेक्टेशन से पहले और तेज़ी से सेल हुए। अच्छा, थोड़ा सा हमें इन्वेंट्री के थोड़ा सा रिगार्डिंग बताएं कि यहाँ पे अभी क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें अभी इन्वेस्टमेंट हो सके। आपका जो लोअर ग्राउंड था वो भी बड़ा रीजनेबल था, तो वो भी बहुत जल्दी सोल्ड आउट हुआ है ना यहाँ पे। आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें मेरे क्लाइंट्स तक भी, ताकि ये मैसेज पहुँच जाए कि इसकी कितनी अभी इन्वेंट्री रह गई है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है जो अवेल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शायद जो स्काई रियल्टर है ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा ये प्लान था कि हम इलेक्शन के 102 दिन बाद अनाउंस कर देंगे, बल्कि हार्डली कल या परसों हम मार्केट में अनाउंस करने जा रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं DHA बहरिया अलकबीर से, कि हम बहुत जल्द अपना रेट चेंज करने जा रहे हैं, उसमें अपार्टमेंट्स का भी रेट चेंज होने जा रहा है और शॉप्स का भी। खाली रेट चेंज करना इस तरह नहीं होता कि आप कोई भी एक रेट रखें उसका आप नेक्स्ट रेट करें आप लोगों को बता दें कि जी रेट चेंज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लोकेशन है, हमारा जो पर स्क्वायर फिट रेट है अपार्टमेंट का और शॉप्स का, वो हमारी लोकेशन के लिहाज से बहुत रीज़नेबल था। और क्योंकि इस मॉल के सामने से डेली 85,000 से 1,00,000 गाड़ी गुजरती है, जितना भी हमारे पास कस्टमर आया है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है हमारे पेमेंट प्लान से। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके चैनल से ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि हमारा जो लोअर ग्राउंड है वो 100% सोल्ड है। हमारी लोअर ग्राउंड के अंदर 54 शॉप्स थी, जो कि आप लगा लें कि हमने 1.25 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एंड यूज़र को गई हैं। और उसके अलावा हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% सोल्ड आउट हो चुका है हमारा। और इंशाल्लाह जैसे ही ये मार्च की 9 को शायद हमारा हम एक डेट रख रहे हैं, उस टाइम हमारा ग्रैंड इवेंट भी है, तब हम अपना ओवरऑल पूरी जो बिल्डिंग है, पूरा स्काईलाइन मॉल है, इसके अपार्टमेंट और शॉप्स जो हैं
इसका हम रेट चेंज करें। थोड़ा सा ये बता दें कि इसमें कमर्शियल जो है वो कितना फ्लोर्स पे आपने कमर्शियल रखा है, उसके अलावा रेजिडेंशियल जो है वो कितना है वो जरा बता दें। देखिए जो स्काईलाइन मॉल है इसकी 4 फ्लोर कमर्शियल है, उसकी डेडिकेटेड एक सेपरेट एंट्रेंस है मेन रेवन रोड से। जैसे कि मैंने बताया कि डेली 85,000 से 1,00,000 गाड़ी गुजरती है और हमारे आसपास कोई 5-10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी मेन पे शॉपिंग मॉल नहीं है। और इस एरिया में अराउंड 50-60 लाख की पॉपुलेशन है जिनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें छोटे छोटे काम करने के लिए फैसल टाउन जोहर टाउन जाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हमने कहा है कि आप 3 साल में पेमेंट करें और 2 साल के अंदर लोग जो हैं इसका हम पोजेशन हैंड ओवर उन्हें कर। 7 फ्लोर हमारे अपार्टमेंट्स हैं, उसकी सेपरेट एंट्रेंस है, जो मॉल की है वो सेपरेट एंट्रेंस है। प्रॉपर 3-लेयर्ड सिक्योरिटी होगी, बाहर गार्ड भी अवेलेबल होगा, उसके पास स्मार्ट कार्ड इशू होगा। जिस कस्टमर का जो ऑनर्स हैं इसमें कोई ये नहीं है कि वॉकिंग भी हमारे अपार्टमेंट को एक्सेस कर सके, ऐसा नहीं है। हम बकायदा स्मार्ट कार्ड इशू करेंगे, जो जो ऑनर्स हैं सिर्फ उन्हीं को स्मार्ट कार्ड इशू होगा। जो मॉल के ऑनर्स होंगे जो हमारी शॉप्स के उनको भी वो भी हमारी जो अमेनिटीज़ हैं उसकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात देखिए ये है कि आप 2 साल में पोजेशन दे रहे हैं और फिर जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 साल तक रहेगी। मतलब लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो यहाँ से भी दे सकते हैं, लाइक उसको रेंटल। उसमें ये होगा कि जो मैंने जैसे बताना पड़ता है बार बार कि हमारी जो लोकेशन है यहाँ पे लोगों को रेंटल 100% आना है। सबसे बड़ी चीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करती हैं तो उसमें आपको देखना होता है कि चाहे आप सस्ती चीज खरीदेंगे या महंगी, क्या कल को उसका एंड यूजर होगा, क्या उसकी रीसेल होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ DHA बहरियाल कबीर से 500 से ज्यादा रियल्टर्स हैं जो हमारे साथ काम करेंगे। पाकिस्तान का शायद पहला हाई रेज प्रोजेक्ट होगा। हाउसिंग स्कीम्स में तो हजारों में लोग काम करते हैं लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है स्काईलाइन मॉल इसके अंदर 500 से ज्यादा रजिस्टर्ड हमारे सेल्स पार्टनर। और हमें पूरा उम्मीद है कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा उसके बाद भी इसकी रीसेल रहेगी। जो पोजेशन की बात है उसमें ये होगा कि लोग 3 साल के अंदर इसकी पेमेंट करेंगे, 2 साल के अंदर वो हमें हम उनको पोजेशन हैंड ओवर कर देंगे। मैं समझता हूँ कि जो हमारी लोकेशन है, जो हमारी शॉप्स हैं, जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं, ये रेंट आउट होंगे। लोग यहीं से हमें जो रेंटल इनकम आएगी उसी से हमारी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और हमारे वो क्लाइंट्स जो अभी तक इससे बेखबर थे, देखिए लोअर ग्राउंड जो है वो सारा सोल्ड आउट हो गया। उसमें सबसे मिनिमम जो शॉप थी वो कितने लाख की थी? हमारी जो शॉप थी उसमें 22,70,000 रुपए की मिनिमम शॉप थी और मैक्सिमम शॉप हमारी 70 लाख की थी। बहुत मुनासिब था ये और इसका पेमेंट प्लान भी बड़ा मुनासिब है। मैं आपके चैनल से लोगों को बताता चलूं कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आप हमारा पेमेंट प्लान देखें। हमारी जो टोटल अमाउंट है उसमें से 35% अमाउंट हमने 2 हिस्सों में डिवाइड की है। वन सके मैं इसको फिर रिपीट करूंगा क्योंकि हमें पाकिस्तानियों का बड़ा ख्याल है, पाकिस्तानी डिप्रेशन में भी हैं, मुश्किलात में भी हैं, परेशान भी हैं, हर टाइम सोचते रहते हैं अपने कंट्री के बारे में। तो मैं उनको उम्मीद देता हूं कि आप हमारे मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हमारी जो 35% अमाउंट है उसमें से 17.5% अमाउंट हमने पोजेशन रखी और 17.5% हमने ग्रे स्ट्रक्चर अमाउंट रखी कि हम जिस दिन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे उसके बाद लोगों को 2-4 महीने का हम टाइम दे रहे हैं कि आप उसके बाद हमें पेमेंट करें। ये वही डेवलपर ग्रे स्ट्रक्चर की अमाउंट रखता है जिसने प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है। अदरवाइज आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट हैं लोग मंथली और 6 महीने बाद की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर लोगों से पूरा पैसा घेर लेते हैं। लेकिन हाँ, हम इंशाल्लाह ताला ग्रे स्ट्रक्चर की अमाउंट तभी लोगों से लेंगे जब हम इसको बनाएंगे। तभी हम लोगों को कह रहे हैं कि जी 3 साल में पेमेंट करें और 2 साल में पोजेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक अगर स्काईलाइन मॉल में आपने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी अभी भी आपके पास ऑप्शन है क्योंकि अभी प्री लॉन्चिंग रेट्स चल रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में मार्च तक कहा जा रहा है कि इसके रेट्स को रिवाइज कर दिया जाएगा। इससे पहले कि इसके रेट्स रिवाइज होते हैं और इन्वेंट्री जैसे अभी आधे से ज़्यादा बिक चुकी है तो मेरा आपको मशवरा यह है जितनी जल्दी हो सकता आप अपनी बुकिंग करवाएं। मजीद इसके बारे में कोई भी डिटेल्स लेनी हो या बुकिंग करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।